हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। माय चैनल जिसका नाम है इसको ब्लॉग पहाड़ी बैक बेंचर। मेरे दो चैनल है गाइस, तो एक में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आप दोनों में थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो हम जस्ट अभी उठे 12 बजे, हमारा उठने का टाइम थोड़ा अलग है, तो हमारे यहाँ ब्रेकफास्ट बनता नहीं, सीधा लंच ही करते हैं हम। ये भी जस्ट अभी उठा है, डेट बना, थोड़ा काम करते रहते हैं अपना, ठीक है। भाई थोड़ा मतलब खाना वाना बना रहा है, दिखाता हूँ मैं आपको उसको भी क्या बना गया रहा है आज। सूरज तो आज क्या बना रहा है यार? आधी घंटा बना रहा है भाई, देखना अभी भाई हाथी अंडा देखा है मार्केट से, नोएडा ही मिलता है जो मसाले से बनाइए। पर भाई ने बात बोले, जो हाथी का अंडा पर लगता है तो किस कढ़ाई में आएगा, इसने मुर्गी का अंडा नहीं आएगा, जाती नहीं कढ़ाई है। हाथ आ गया, देखो देखो देखो, दूर कर दिया मैंने से। ये हाथी का, तभी हम सो ही रहे थे, हमारे यहाँ सिंगिंग कर रहा था थोड़ा, तो आज मंडे भी है। ये भाई अपना आप जानते होंगे भाई को, ये चप्पल है। ले मैं ना, मैं थोड़ी बुल्ली आए कर दो इधर इधर। बाय 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 बाय, फिर भी आ जाइए, मैं है कर दो। ये शर्मा दी बेचारी बहुत ज्यादा बेचारा, बस प्यारा मौसम है यार, नहाने वगैरह मुझे मजा आएगा। और वो उधर देख रहे हैं, वो मेट्रो स्टेशन है 142 सेक्टर का नोएडा, और उधर बिल्डिंग है बहुत सारी, आपको कंपनी देखने को मिल जाएगी यहाँ पे, जेनपैक और एडवांस बिल्डिंग है, उसके अंदर बहुत सारी कंपनियों के ऑफिस है, और ये पूरी बिल्डिंग है, कॉलोनी है, घर है। अभी अभी ठंड हो रही है, सर्दी हो रही है, मैं रखता नहीं हूँ खैर, पर अजीब लग रहा हूँ, मैं आदत नहीं मेरे को वेट में रखने की, तो मैं कटाऊंगा तो आपको रखूंगा, मैं रखूंगा 12-13 साल का बच्चा, सब मुझे बोलते हैं, बट इतना भी नहीं हूँ खैर। हाँ, कोई कोई जज कर लेता है पर कोई नहीं करता है, पर सब ठीक हूँ मैं, देख के चलता हूँ मैं को मार्केट, छोटी मोटी गली है, छोटी छोटी गली खाऊंगा मैं आपको। तो गाइस, मैं बताने वाला था कि आज हम थोड़ा घूमने वाले हैं, तो वेदर का भी अच्छा है, तो हम निकल जाते हैं, ठंडा हो रहा है, अपने पहाड़ों को मिस कर रहे थे। पूरा नेशनल हाईवे है, देखे होंगे आप, अरे अपार्टमेंट बिल्डिंग बड़ी बड़ी, तो आप लोग देख रहे होंगे, ये अंकल जो हैं जस्ट थोड़ी देर पहले भी कुछ बांट रहे थे, समोसे वगैरह, तो समोसे वगैरह बंद वगैरह दे रहे थे, अच्छा लगा मुझे देखे। और हमारे समाज में काफ़ी ऐसे लोग जैसे काम करते हैं, तो हम आगे से गए थे, हम तो पीछे रास्ते वापस आ गए। हमने थोड़ा मार्केट घूमते घामते चलते हैं, काफ़ी टाइम बाद मार्केट से बाहर निकले हैं, तो ठंडा हो रहा था घूमते घामते, और हमने कैप लिए दोनों ने, जो मेरे को काफ़ी ब्लैक कलर पसंद आया था, अगर मैं वाइट कलर लेने वाला था, फिर तो वाइट पिंक थोड़ा लड़की वाला कलर हो जाता, तो मैंने थोड़ा ब्लैक लिया, अच्छा लग रहा है चेहरे पर भी, अच्छा लग रहा है मेरे को। गोलू भी मस्त हो रखा है, गोलू भी ऐसी कैप चाह रहा था, उसे भी ऐसी कैप मिल गई है। हम सोच रहे थे कुछ खाने के लिए, खाने पीने का देखते हैं, तो इसे मोमो खाने के लिए बोल रहा था, तो मैंने सोचा उसको मोमो खिला दे, उसने कई बार यहाँ के मोमो खाए हैं, उसे काफ़ी टेस्टी लगते हैं यहाँ के मोमो, और इस आंटी मोमोज़ के काफ़ी यहाँ पे आउटलेट है नोएडा में, और काफ़ी टेस्टी मोमो बनाते हैं, चिकन पनीर तंदूरी सब मोमो बनाते हैं, और काफ़ी स्वादिष्ट बनाते हैं, तो इसे खाएगा और आपको बताएगा कैसे लगा उसको। मैं भी बहुत खाता हूँ यहाँ का मोमो, तो चलते हैं। तो मैंने चिली पोटेटो ऑर्डर किया है, इसका टेस्ट जो है काफ़ी लेवल का, इतना खास है नहीं जो मैंने खाया अभी तक चिली पोटेटो अपने यहाँ अपने कैफे में, करण के कैफे में, और मुसाफिर कैफे में, वो टेस्ट में है नहीं, पर मैं खाया था, मैंने कहा पैसे लगे हैं। तो मैं पहुँच गया हूँ अभी जस्ट शॉपिंग करके, तो मैंने छोटी सी कैब ली अपने के लिए, तो काफ़ी अच्छी लगी थी मुझे, मेरे को कहीं पसंद दी है कैब, मैंने करण को बोलते मिलने मंगा देना, बट करने वाले डेली में जाके तो पूरी ले लेना, मैंने कैब मंगाई, बताइए कैसे लग रही कमेंट सेक्शन में कैब मेरे पे, अच्छा लग रहा हूँ ना मैं, बढ़िया लग रही है, थोड़ा शेविंग करूँगा तो और मस्त लगूंगा। और देखिए पीछे का नाइट का व्यू देख रहे होंगे आप, बड़ा प्यारा है, लाइटिंग में थोड़ा प्यार लगता है, देख रहे आप, मिलते थोड़ी देर में गाइस, बने रहिए मेरे चैनल में। तो इसी को लेकर कैप लेके आई है 150 रुपये की, मैंने भी खरीदी है 200 रुपये की, इसने कहा कि यार वो सस्ती मिलती है मीशो में,
अंधेरा हो चुका है। तो गाइस मैं छोटा सा फॉर्म भर रहा था जिसमें काफ़ी अच्छी डिटेल मैंने फिल कर रही थी, तो सडनली मेरे पास ऑप्शन आया इसमें, काफ़ी मतलब ऑप्शन है मैंने बाकी मैंने फिल कर दिए थे, बट लास्ट में आया मेरे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन। तो फिंगरप्रिंट का ऑप्शन हुआ क्या कि मैं कन्फ्यूज हो गया कि मेरे पास था नहीं फिंगरप्रिंट का थपका, क्या किया मेरे को ऑप्शन था नहीं, मैंने करूँ क्या करूँ क्या, तो मैंने वैन का थोड़ा यूज़ किया। तो मैंने क्या किया, जो पेन होता है बॉल पेन वगैरह हो गया उसकी इंक निकाली मैंने, तो मैं दिखाता हूँ आपको कि इंक कैसे यूज़ किया है मैंने परफेक्ट। तो गाइस हुआ क्या कि मेरे पे ठान मैंने इस पेन का जो बॉल पेन होता है डॉट पेन वगैरह इसकी मैंने इंक निकाली। इंक निकालने के बाद मैंने क्या किया इसको हल्का उसमें कुछ भी लगा सकते फूक मार के लगा सकते हैं या फिर उसमें हल्का पानी का यूज़ कर लिया हल्का लिटिल बिट, ठीक है। तो उसमें ज़रा से करके आप वाइट पेपर ले लीजिए और वाइट पेपर में उसको थंब को प्रेस कर दीजिए, देखो तत्ती लगा के दिखाएगा आपको हल्का प्रेस करके और आपका ये फिंगरप्रिंट हो जाएगा, ठीक है। बट आपको हल्का करना है, देखो इसमें दो फिंगरप्रिंट होंगे, काफ़ी फिंगरप्रिंट मैंने यूज़ किए इसमें, देखो देख रहे होंगे आप, तो मैंने यूज़ किए जो मतलब मेरे को हल्का चाहिए डार्क, क्योंकि डार्क करोगे आप तो फिंगरप्रिंट आपको स्कैन करेगा नहीं, तो हल्का वाला जो आपको लाइट होगा ये देख रहा हूँ, ये वाला देख रहा हूँ लाइट है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, इसको आप फोटो क्रॉप करके, ठीक है। और जहाँ तो हमारा जो है फोरम का 6th स्टेप पूरा हो गया, टोटल इसमें 8 स्टेप थे, तो 6th स्टेप हम कंप्लीट कर लिया। तो अब यहाँ पर नेक्स्ट और सेव करने का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं इसकी देखिए सारी डिटेल्स मैंने भर ली है और डॉक्यूमेंट डिटेल सक्सेसफुली हो गए हैं। अपना सोया गया मामा, तुम्हें नहीं पता, तुम यार फतेहपुर से बाहर तो नहीं आ रहे, क्या करूँ मैं? अरे आ जाओ मामा, दिल्ली का हाल देखो, बड़ा प्यार हो रखा है। सुन पहले मेरे से क्या बोल रहा है, मैंने बोला मैंने कहा कि तेरा मतलब काम वाम सही चल रहा? हाँ बड़ी चल रहा। आशीष क्या यार, तेरे को पता ही है टाइम मिलता नहीं है, मैं तो फुल बिजी हूँ, आशीष जी फुल बिजी है यार। आशीष जरूर साथ बोल रहा हूँ ना कि यार उसके लिए काम हो रहा है, उसका ही बोलने का फर्ज है यार, तू अपनी जॉब में ध्यान दे, छोड़ यार तू टेंशन मत लेकर, अगर तू अच्छा पैकेज मिलेगा तो जाएगा। ये ना बंदे का वही है, वो भी लगा पहले में ऊपर सोच, मैंने उस टाइम ट्रेन में था, वीडियो कॉल किया मैंने उसे, मैं ट्रेन दिखाया उसको। सही है यार, बढ़िया तेरा अगर फ्यूचर है तो वही देख अपना, मैंने कहा फ्यूचर तो यही है तो बढ़िया अपना बोल रहा है ये। बोल के मैंने काला को बुला रहा था उस टाइम, मैं काला को, फिर काला चले गया घर। ईशु जी यहाँ पे राय की सब्जी, यहाँ तो लोकल भाषा में इसे सरसों भी कहा जाता है, राय सरसों, तो राय काट रहा है आज रात, हम राय चावल दाल खाएंगे। और ये सेटअप है देखिए, ये हमारा कंप्यूटर है गेमिंग, और ये दो मॉनिटर है शरीर में बॉडी वगैरह में। पहले लोग भैंस की एक ही लीटर दूध पीते थे, प्योर मॉर्निंग रोटी खाते थे तो बॉडी में लगता था यार। अब क्या आप क्या हो गया कि मिलावटी जो हो गए, इतना जरूरत है नहीं, लोग चावल लोग खाएंगे ज़्यादा, रोटी कम खाते हैं, तो मतलब जो अगर तू मोटा अनाज भी खाएगा ना तो बाद में तेरी बॉडी में इफेक्ट पड़ेगा उससे यार, साथ देगी तेरा बॉडी घूमने फिरने में, एज में, हर चीज़ में। तो भाई हमारा काम कर रहा है, भाई का बढ़िया है अपना, वर्क फ्रॉम होम यार, चिल मारो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा है जॉब मिल जाए तो बढ़िया रहता है, और कुछ नहीं है अपना, जब मर्जी करो अपना। इन्हें कम से कम मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब लॉकडाउन पड़ा था तब से इन्होंने बाल नहीं कटाया, अपने एक बार जब टोपी खोल के दिखा दीजिए, इनके बहुत लंबे लंबे बाल हो गए। हमारा विचार है इसका मुंडन करने का, बड़े बड़े बाल हो गए। मैंने इसको बोला था कि यार लुक थोड़ा चेंज होना चाहिए, 1.5 साल हो गए, 2 साल हो गए, सेम ही लुक है इसका, तो मैंने बोला इसको चलो लुक चेंज करना, तो बोल रहे थे कि कल बाल कटाने जाएंगे हम। अब इसको देखो इसके मूड पर डिपेंड है क्या सोचता है, वैसे बिगड़ते रहता हूँ। 1.5 साल की मेहनत भी है भाई लोगों, मेहनत तो देखो आ जाएंगे अपनी घर की खेती, 1,000 लाइक आएंगे, 10,000 सब्सक्राइबर आएंगे, क्या बोल रहे कितने व्यूज आने चाहिए बताओ, 1,000 सब्सक्राइबर और 50 लाइक 500 लाइक, मैं अपने बालों को कटवा दूंगा। इतना बड़ा इन्होंने बेड लगाया है तो वो आप पे डिपेंड है, आप क्या करते हो, आपने सपोर्ट करना है हमें तभी हमारे लाइक सब्सक्राइब बढ़ेंगे यार, करो लाइक सब्सक्राइब करना चाहिए, उससे होता क्या है कि हम भी मोटिवेट होंगे और आपको भी अच्छा लगेगा कि हर बंदा वीडियो ला रहा ले लें इनके। मतलब मुझे मजा आता है सरसों के तेल में, सरसों का तेल होता है उसमें आता है मजा, क्योंकि रिफाइंड में यार बॉडी के लिए बेनिफिट नहीं है ना, पर क्या करें रिफाइंड है नहीं है, तो मैंने कहा यार क्यों ना सरसों के तेल में ही करूँ, रिफाइंड में ही करूँ, पर फॉर्च्यून का तेल भी अच्छा है, फॉर्च्यून का यूज़ कर रहा हूँ मैं, खैर ऐसी बात तो नहीं है, फॉर्च्यून का तेल। तो ईशु जी यहाँ पे रोटी बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं अभी फिलहाल, अगर चाय के साथ तो आपको बताइए कि रोटी ना हो तो फिर मज़ा ही आएगा, रात में आपको बताइए नॉर्थ इंडियन के जो लोग होते हैं मोस्टली रोटी खाते हैं, पर घर का जो खाना होता है उसका टेस्ट लगे, काफ़ी टाइम खाना मिस कर रहे हैं, घर का खाना खाया नहीं, पहले घर में बनी बनाया मिल जाता था हमें, बैठ रहे थे आराम से बिल्कुल चौड़ पे, हाँ भाई मम्मी लेके आई खाना, रोटी बनाते थे
बिल्कुल गोल रोटी बना रहे हैं इसे जी। अब देखो ना हमें हो गई हैबिट, अगर हम नए नए करें तो बात थी, आज हो चुकी चीज तो अब क्या कर सकते हैं। जो खाना है रोटी करा मैडम, आज ये रोटी दाल और राई की सब्जी जो आज हमने बनाई है, आप वो खाने संपर्क करें हमसे। अब घर में रहता था तो सीख लिया मैंने, कभी काम आ जाता है और आना भी चाहिए काम। हम हमारा खाना रेडी हो गया भाई, जिसको आना है खाइए, सेवा में आपके हम तक पर रहेंगे। तब मिलेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में। और आपको वीडियो पसंद आई लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ होते हैं बेशर्म लोग जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिए यार, अभी भी अच्छा लगेगा ना।